उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुए गैंगरेप मामले पर यूपी की सियासत गरमाई हुई है। आए दिन समाजवादी पार्टी और बीजेपी के नेताओं द्वारा बयानबाजियां की जा रही हैं। इस बीच राजधानी लखनऊ के कई चौराहों पर अयोध्या रेप कांड से जुड़े पोस्टर्स देखने को मिले। दरअसल लखनऊ के 1090 चौराहे पर एक बड़ी होल्डिंग लगाई गई है। ये पोस्टर बीजेपी की अवध प्रांत की क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्वेता सिंह की तरफ से लगवाई गई है। इन पोस्टर्स में अयोध्या गैंगरेप के मुख्य आरोपी मोहित खान का जिक्र है और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के एक बयान का भी जिक्र किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। अयोध्या गैंगरेप मामले में आरोपियों और पीड़ित परिवार का डीएनए और नार्को टेस्ट कराने की मांग को लेकर लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ पोस्टर्स लगे हैं। इन पोस्टर्स में लिखा गया है, लड़के हैं गलती हो जाती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की बात कर क्या साबित करना चाहते हैं? मोहित है गलती हो जाती है। इस पोस्टर के जरिए कहीं न कहीं दिवंगत सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के बयान को याद दिलाने की भी कोशिश की गई। उन्होंने कई साल पहले एक सभा में ये बयान दिया। बता दें कि अयोध्या में नाबालिग बच्ची से गैंगरेप का आरोप मोहित खान पर लगा है। मोहित अयोध्या में समाजवादी पार्टी का नेता है। ऐसे में पोस्टर्स के जरिए पार्टी के पुराने बयानों को याद दिलाया जा रहा है। इस मामले में अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट की मांग की है। उन्होंने कहा है कि कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए। एक दिन पहले ही शनिवार को अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि डीएनए टेस्ट के जरिए इंसाफ किया जाए, न कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी हैं उसे कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हुए तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी बख्शा ना जाए। वहीं सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने भी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद समेत बीजेपी के तमाम नेताओं के नार्को टेस्ट की बात कह दी थी। देखिए वही तो हम कह रहे हैं ना, तो ये इस तरह की अगर राजनीति करेंगे तो हम तो कहेंगे इनका तो नार्को टेस्ट करा लो। जितने भी हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और इस घटना से जुड़े लोग हैं जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, इनका सबका नार्को टेस्ट करा ले। मैं तो जो उसने कहा है पवन पांडे ने, मैं तो उसका समर्थन करता हूँ। उनका भी कराएं नार्को टेस्ट और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग इस घटना को राजनीति का तूल दे रहे हैं, इनका सबका भी नार्को टेस्ट करा दिया जाए। बता दें कि अयोध्या रेप कांड मामले में पुलिस ने 30 जुलाई को अयोध्या जिले के भद्रसा में बेकरी चलाने वाले आरोपी मोहित खान और उसके कर्मचारी राजू खान को गिरफ्तार किया था। इस मामले में अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट कराने की मांग की थी, जिसके बाद बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।